नमस्कार। पुस्तकों को ज्ञान का स्रोत तथा ज्ञान का भंडार कहा जाता है। एक अच्छी पुस्तक आपके जीवन जीने की दिशा बदल सकती है और वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान का स्रोत तथा अमृत का कलश साबित हो रही हैं। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। वर्तमान समय में हर जगह ज्ञान गंगा तथा जीने की राह पुस्तकों की बात हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखित इन अनमोल पुस्तकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति आई हुई है। आध्यात्म के क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सूर्य के समान रोशन हो रहा है। आज तक परमात्मा के बारे में अनेकों तरह की विभिन्न धारणाएं धर्म गुरुओं और पंडितों ने बना रखी थी, जिससे भक्त समाज किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक ज्ञान करवा दिया है कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, उसकी वास्तविक भक्ति विधि क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्व पवित्र धर्म के पवित्र शास्त्रों का सार बता दिया है तथा आध्यात्मिक ज्ञान का एक ऐसा निष्कर्ष निकाल कर मानव समाज को दे दिया है, जिससे आज मनुष्य अपने धर्म शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य से अवगत होकर उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जिसकी गवाही सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र धर्म ग्रंथ दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित किया है कि पूर्ण परमात्मा साकार है तथा नर आकार है और सतलोक में रहता है, वह उसका नाम कबीर है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र भी है और यहाँ पे आज एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पे कुछ पुस्तकों का स्टॉल लगा है, हम इनसे जानेंगे कि ये पुस्तकों में क्या। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर। ये ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, इन पुस्तकों में क्या है? इनमें तो जो जितना भी शास्त्रों का ज्ञान दिख रहा है इसमें बता रहे हैं। जो कितने रुपए की पुस्तक है ये? तो 20 रुपए की है, पर इतनी मोटी पुस्तक 20 रुपए में दे रहे हैं, तो इसका कारण क्या है हमको मालूम नहीं, पूछना पड़ेगा भैया। सर जी, इन्होंने बताया कि ये इतनी मोटी पुस्तक केवल 20 रुपए मिल रहे हैं। सर, ये इतनी मोटी पुस्तक 20 रुपए में क्यों दे रहे हो? सर, इसको ना मानव समाज तक के प्रचार हेतु दिया जा रहा है। इसमें सदग्रंथों का प्रमाणित ज्ञान है जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? भानु प्रताप दास जी। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज का एक उद्देश्य है कि वो समाज में जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाते हैं। हाँ सही है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, एक नारा रखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, इसको बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी टीम आज पहुँच चुकी है नवी टेकरा स्कूल के पास, रामदेव रोड पे, सूरत सिटी में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जोरों शोरों से यहाँ पर प्रचार हो रहा है। और देखने में आया कि हर तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह पे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें जो मतलब वो फेमस हो रही है और मतलब सभी जगह पे उनका प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। तत्व ज्ञान का डंका हर जगह बज रहा है। तो आइए, यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज की कुछ अनुयायी है, आइए उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह की मतलब यहाँ पुस्तक सेवा हो रही है। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? पन्नालाल दास। कहाँ से है सर आप? सूरत से ही है। सर, ये जो पुस्तक सेवा हो रही है, इनका पुस्तक सेवा का उद्देश्य क्या है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है कि इस पुस्तक के अंदर शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये परमात्मा निराकार है, ऐसे साधु संत बताते, लेकिन वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा साकार है और वो परमात्मा कहाँ रहता है वो भी इस पुस्तक के अंदर प्रमाण है, प्रमाण सहित पुस्तक है ये। सर, ये पुस्तक मतलब लोग क्यों पढ़े, इसमें क्या क्या ऐसा लिखा है, क्या ज्ञान दिया है जिसमें मतलब जिस कारण से लोग इसको पढ़े? ये इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो आज दिन तक किसी साधु संतों ने जो सच्चाई नहीं बताई परमात्मा की, भक्ति कौन सी करनी चाहिए और अपन मंदिर और मस्जिद में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर कोई लाभ नहीं होता है, तो इस पुस्तक के अंदर वो लिख रखा है संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे सदगुरु देव जी ने, जो शास्त्र में प्रमाणित है कि भक्ति कैसे की जाती है, किस भगवान की भक्ति करनी है, वो अल्लाह कबीर और परमात्मा कौन है, वो ज्ञान इस पुस्तक में संपूर्ण दिया गया है। और वेदों में, गीता जी में, बाइबल में सभी आप प्रमाण देख सकते हो और देखने के बाद में आप
देख सकते हो, उसके बाद में आप निर्णय ले सकते हो कि शास्त्र ही प्रमाण है। गीता जी में भी कहा है कि शास्त्र ही प्रमाण है अर्जुन, तो शास्त्र के हिसाब से ही भक्ति करेगा तो तेरा मोक्ष निश्चित है। तो इस पुस्तक में शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है अंदर है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज मतलब समाज सुधार में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इसी कारण से ऐसा सुनने को मिला है कि मतलब धनाना आश्रम के पास निःशुल्क एम्बुलेंस बस सेवा और बस सेवा का भी निःशुल्क आयोजन किया गया है। सर, इसका इसके पीछे क्या कारण है? एम्बुलेंस का भी निःशुल्क सुविधा लगा रखी है, और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी आने जाने के लिए बहन बेटियों के लिए ये लगा रखी है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य एक ही है कि हमारे सभी बहनों भाई बहनों को सुविधा मिले और अच्छा मार्ग मिले, अच्छा ज्ञान मिले, ताकि वो मोक्ष प्राप्त कर सकें और सही ज्ञान को समझकर अपना कल्याण करवा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर जीने की राह, जीवन रस्तों, कबीर परमेश्वर, ज्ञान गंगा आदि आदि बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई है, और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुजन है जो मतलब निःशुल्क केवल धर्मांतर मूल्य 20 रुपये में यहाँ पर पुस्तक सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मतलब बहुत डेकोरेशन के हिसाब से ज्ञान गंगा आदि मतलब पुस्तकों की यहाँ पर एक छाता लगाया गया है, जहाँ पर केवल लिखा हुआ है कि मतलब 20 रुपये में आप पुस्तक खरीद सकते हैं, जिसमें मतलब आध्यात्मिक प्रश्न लिखे हुए हैं, परमात्मा प्राप्ति पुस्तक, एक परमात्मा की जानकारी, परमात्मा साकार है या निराकार, ठीक है। आप जिस सभी प्रश्न के हल जानने के लिए आप निःशुल्क मतलब 20 रुपये में जीने की राह पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और अपना मतलब जो भी है मनुष्य जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज, मैं सचिन, और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लोकप्रिय मंदिर कालका जी के पास। तो यहाँ पर हम आए हैं, अभी नवरात्रि का जो महीना चल रहा है तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, काफी चहल पहल है। इसी के बीच यहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक, हाँ जी ज्ञान गंगा पुस्तक, जो कि बहुत ही वायरल पुस्तक है, बहुत ही ज्यादा पढ़ी जा रही है, लोगों द्वारा मंगाई जा रही है। तो कुछ लोगों के बीच में मतभेद भी है इस पुस्तक को लेके, कुछ अवधारणाएं भी फैली हुई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक आखिर क्यों बांटी जा रही है। यहाँ पर जो ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचारक हैं वो बहुत काफी ज्यादा संख्या में आए हुए हैं, तो अभी हम उन्हीं से जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि इस पुस्तक के अंदर क्या है, क्यों इसे इतनी ज्यादा मात्रा में बांटा जा रहा है, इसका प्रचार किया जा रहा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय, अजय राव। अजय जी, आप हमें ये बताइए जो ये पुस्तक है, सबसे पहले इसका राइटर कौन है? इसके राइटर जी संत रामपाल जी महाराज हैं। देखिए, ये जो पुस्तक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, बहुत ज्यादा बांटी जा रही है, तो किस लिए बांटा जा रहा है इसको? ये इस पुस्तक में सभी गीता जी, वेद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार ज्ञान दिया गया है, जिससे हम मतलब प्रचार करते हैं लोगों को और उनको बोलते हैं कि आपको, आप सतभक्ति करिए, आप पहचानिए एक पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं जो इस समय धरती पर आए हुए हैं, जो हमारे सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं, उस सब की जानकारी इस पुस्तक में लिखी गई है, इसलिए हम पुस्तक को बांट रहे हैं। सर, आप बता रहे हैं कि गीता पुराण का ज्ञान लिखा है इसमें, लेकिन लोगों से तो हम सुन रहे हैं कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, गीता और वेद के बारे में बताया ही नहीं है, इसमें बुराई की गई है उसकी। देखिए जी, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो, उन लोगों ने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा नहीं है, वो ऐसे ही एक दूसरे से सुन के ही मतलब बोलते रहते हैं। इसके अंदर सभी जितने भी हमारे गीता वेद हैं, जो वेदों में सच्चाई लिखी गई है, कौन परमात्मा है, किसकी भक्ति करने से हमारे पाप नाश होते हैं, किसकी भक्ति करने से हम सुखी हो सकते हैं, वो सारी जानकारी दी गई है। और उसके साथ में सबका प्रमाण भी दिया गया है कि जो चीज़ लिखी है वो गीता में कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में, वेद में कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा गया है, सब उसमें मतलब विद प्रूफ बताया गया है किताब के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जयपाल दास। आप हमें ये बताइए जो पुस्तकें हैं इन्हें बांटने का मूल उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पुस्तकें बांटी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य यह है कि समाज में जो लड़ाइयाँ चल रही है, धर्म के नाम पर सब जगह लड़ाई चल रही है, तो ये पुस्तक जो ज्ञान गंगा पुस्तक छापी हुई है, ये पुस्तक इसलिए छापी गई है ताकि सारे धर्म के लोग इसको बैठ के पढ़े, और इसमें सारे अध्याय दिए गए, कुरान, बाइबल, गीता, चारों वेद, 18 पुराण, जैसे कुरान का है, बाइबल का है, सबके अध्याय, और इसमें ये प्रमाण किया है रामपाल जी महाराज ने कि हम सबको बनाने वाला जो भगवान है वो एक ही है, उसका नाम है सत कवि परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज, हमारे जो इष्ट देव है वो कबीर परमात्मा है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्य भैया, मेरा नाम ललिता दाशी है। जी, आप हमें ये बताइए जो ये पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा, ये किसकी पुस्तकें हैं और क्यों बांटी जा रही है?
ये हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज की पुस्तक है। ये उनका प्रचार और प्रसार के लिए बांटी जा रही है कि ये सभी हमारे गुरु जी का आदेश है कि तुम सभी तुम्हारे भाई बहने उन तक भी ये ज्ञान पहुंचाओ। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं ज्ञान गंगा प्रचारकों की मंडली में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के हाथों में एक ही पुस्तक है, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास भी ज्ञान गंगा पुस्तक है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी दासी। खुशी दासी, आप हमें ये बताइए, पुस्तक ले रखी है, किसकी पुस्तक है ये? संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी कौन है? हमारे गुरुजी। गुरुजी क्या बताते हैं आपको? गुरुजी बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। आप जो पुस्तक ले रखे हैं, किस लिए ले रखे हैं? यहाँ पे हमारे गुरुजी ने कहा कि ये जो यहाँ पे ज्ञान है वो जन जन तक पहुँचाना, तो उसी में हम सहयोग कर रहे हैं। ये किस चीज का ज्ञान है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। क्या बताते हैं संत रामपाल जी? हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, और ये हमारा घर है, हमारा घर सब लोग में वहाँ पे जाके हमें भक्ति करनी है। नमस्कार, आज हम पहुँचे हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला शक्ति में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन पुस्तकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर साहेब जी, जो आप हाथों में जीने की राह और ज्ञान गंगा नामक पुस्तक पकड़े हुए हैं, तो आप इन पुस्तकों का प्रचार करते हैं, तो किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं इस पुस्तक का प्रचार करते हुए? यह पुस्तक जो है ज्ञान गंगा, यह आध्यात्मिक रहस्यों का पूरा खजाना है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कथावाचक लोगों से सुने हैं, वो लोग अभी तक गुण रहस्यों को नहीं बता पाए शास्त्रों के, और हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे शास्त्रों के सार ज्ञान को इस पुस्तकों में डाले हुए हैं, जिसे पढ़कर हमने आध्यात्मिक रहस्यों को समझा है और जाना है कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष की परिभाषा हमें पहले कभी पता नहीं था, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हमने अपने जीवन का महत्व समझा है और मोक्ष को जाना है। तो आप इस पुस्तकों का प्रचार किस तरीके से करते हैं? आध्यात्मिक रहस्य जो इसमें बताए गए हैं, सभी देवी देवताओं की स्थिति बताई गई है और समाज सुधार कर। सर, अगर देवी देवताओं की बात करें तो लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, यह कहाँ तक सही है? नहीं जी, यह बिल्कुल गलत बात है। ये देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि देवी देवताओं की सही भक्ति विधि को बताते हैं कि हमें वास्तव में कैसे भक्ति करना चाहिए जिससे हमें उनसे पूर्ण लाभ मिल सके। तो आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इन पुस्तक मात्र का प्रचार करने के लिए, तो इस पुस्तक का आप इतने जनसंख्या में प्रचार क्यों कर रहे हैं? आप एक दो आदमी आकर भी इस पुस्तक का प्रचार कर सकते थे, यहाँ कहीं बुक स्टॉल लगाकर भी प्रचार कर सकते थे, लेकिन इतने लोगों का आना क्या कहलाता है? अगर हम बुक स्टॉल अगर लगा करके अगर प्रचार करें तो यह जो ज्ञान है सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए हम लोग घर घर जा करके हमारे गुरुदेव ने आदेश दे रखा है कि घर घर जाते हैं आप पुस्तक प्रचार कर लिए। जी, घर घर जा करके इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है ताकि उनमें भी जागृति आ सके ज्ञान के प्रति। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में क्या योगदान रखते हैं? समाज सुधार के लिए अभी तक न सामाजिक मंच पूरा करने पाए अपना कार्य, न सरकार जो अपना लोगो चला रही है, नारा चला रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केवल नारा बन करके रह गया है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है बहुत बड़े विशाल रूप में, जिससे भ्रूण हत्या भी बंद हो रहा है, और दहेज मुक्त विवाह जो भारत ने सपना देखा था उसे केवल संत रामपाल जी महाराज ही पूरा कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज के खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं सिवान जिला के चांदपुर बाजार गढ़ देवी मेला में, जहां संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु भगत आए हुए हैं पुस्तक सेवा करने के लिए। आइए हम जानते हैं इनसे यह पुस्तक किस प्रकार के है और क्यों और किस लिए ये लोग सेवा कर रहे हैं। जी नमस्ते सर। जी सत साहेब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ये पुस्तक लेकर? हम लोग पुस्तक सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जी किस प्रकार की प्रचार है? ये आध्यात्मिक पुस्तक है जो कि शास्त्र से प्रमाणित किया गया है, वेद पुराण कुरान बाइबल गीता जो है इन सभी से प्रमाणित किया हुआ पुस्तक है। ये किस धर्म का है? ये देखिए, ये धर्म तो है, देखिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। हमारे कैमरामैन को दिखाइए। जी जी,
क्या है? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। जाति कोई ये स्पेशल नहीं है, ये हमारी मानव धर्म है और जाति जीव है हमारी। जी तो ये किनका पुस्तक लिखा हुआ है? ये जगत गुरु जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक है। इसमें ऐसा क्या ज्ञान है जिसको आपने समाज में देने के लिए आए हैं? देखिए, इसमें ज्ञान ये है जो कि समाज में जो भी बुराइयाँ चल रही है, जो भी कुरीतियाँ है, जैसे कि बेटी को प्रसारित करना, दहेज के लिए समाज में जो है कि बुराइयाँ जो चल रहा है वो है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, ये सब जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त, इसको ख़त्म करने के लिए गुरु जी ने ये बीड़ा उठाया है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये क्या मुख्य उद्देश्य है, कुछ बताएंगे? मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज से जो है कि बुराइयों को ख़त्म करना, यही और कोई विशेष नहीं है। समाज से बुराई ख़त्म करना, भ्रष्टाचार, दहेज मुक्त जो भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, यही है। तो क्या आप नशा करते हैं? जी नहीं करते हैं, पहले हम बहुत नशा करते थे। नशा पहले मतलब क्या? मैं पहले गुटखा खाता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मांस खाता था, दारू पीता था, मैंने बहुत सारी बुराइयाँ हमारे अंदर थी। अच्छा, इनसे जुड़ने से पहले की बात आप बता रहे हैं? जुड़ने से पहले से बात बता रहे हैं। अभी जब से मैंने गुरुजी से नाम लिया है तब से बहुत सारे लाभ मुझे हुआ है और ये नशा जो है मेरे से जो है कि सारे नशा मैंने छोड़ दिया इनके नाम उपदेश लेने से। जी जी। तो क्या हमारे दर्शकों को क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुछ दर्शक के लिए कुछ बताएं? मैंने ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है, ये समाज में जो भी भाई बहन है, इस पुस्तक को अगर लेकर पढ़ेंगे तो समाज से बुराई जो है ख़त्म हो जाएगी। जी, जैसे कि इनका बताना था कि जो समाज में फैल रही कुरीति है, दहेज प्रथा है, इस सब को जो है सो ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाए हैं और समाज में जो है सो अच्छी पुस्तकें जैसे कि गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा जैसा पुस्तक धर्मार्थ मूल मात्र 20 रुपया में इन लोगों ने सेवा कर रहे हैं और समाज में दे रहे हैं। और देखिए कि कैमरामैन से हम गुजारिश करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टॉल लगी है, इस स्टॉल में जैसे कि नीरज चोपड़ा जैसे, ये सनी देवगन, सोनू सूद और यहाँ पर कुछ और हैं, युवराज सिंह, मैथिली ठाकुर, योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रकार के जो है सो सुप्रसिद्ध लोगों को जो है सो ये लोग निःशुल्क पुस्तक भी दिए हैं और समाज में जो है सो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि समाज में जो फैल रही कुरीति है, जो भ्रष्टाचार है, इसको ख़त्म किया जा सके, समाज इस चीज़ को समझ सके कि सतभक्ति क्या है, इसके लिए ये लोग दिन रात जो है सो लगे हुए हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं सर जी, आप लोग यहाँ पर कितने संख्या में लोग आए? जी यहाँ सैकड़ों की संख्या में हम लोग हैं, सारे भक्त जो है कि ये मेले में जो है कि सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे भी है। जी मैम, आप भी कुछ जानकारी हमें दीजिए कि यहाँ पर आप किस प्रकार से? सत साहेब जी, हम लोग यहाँ बुक सेवा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक है उसकी सेवा में हम लोग आए हुए। क्या आप लोग को यहाँ सैलरी मिलता है क्या, कैसे किस लिए आए हैं? नहीं, हम लोग का ये अपने सेवा में हम लोग हैं, हम लोग का कुछ सेवा सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, हम लोग ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, सेवा में हम लोग हैं। जैसे कि यहाँ कुछ समाज के लिए आप कुछ, जो महिला लोग हैं उन लोगों के लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? महिला लोग हैं जो दहेज प्रथा है, जो बेटियों को शादी वादी होती है तो लोग दहेज देते हैं लेते हैं, ये हमारी ज्ञान की बुक है, संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई बुक है, हम लोग ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और बेटियों के जो दहेज प्रथा की शादियाँ नहीं हो पाती हैं, चाहे कुछ रिश्ते हैं जो टूट जा ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके भी बच्चे हैं क्या, बेटी बेटे हैं क्या? अरे, दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। क्या आप उनसे दहेज नहीं लेंगे? दहेज नहीं, हम लोग जो हैं जो नाम दीक्षा ले चुके हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं, हमारा विवाह दहेज मुक्त होता है, ना हम बच्चे का लेंगे ना हम बेटियों का दहेज देंगे। पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी अपनी पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन अनमोल पुस्तकों को पढ़कर लोग अपने परम पिता को पहचान रहे हैं। आप भी इन अनमोल पुस्तकों को पढ़कर अपने परम पिता को पहचानने में बिल्कुल भी देरी न करें। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।